जिस लोकलिटी में हम हैं, जिस सोसाइटी के बीच में हम हैं, उस सोसाइटी के लिए हम क्या कर रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि वेनिट यूनिवर्सिटी ने इस पे पहले ही काम करना शुरू किया कि नहीं, जिस सोसाइटी के बीच में है उस सोसाइटी के प्रति भी हमारा कोई दायित्व है। हमें अगर भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करना है तो इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ना ही पड़ेगा, और वेनिट यूनिवर्सिटी ने पहले इस पे काम शुरू कर दिया। मुझे जो बताया गया, जो मैंने देखा है कि वेनिट यूनिवर्सिटी के बोर्ड में, जो उनके एडवाइजरी बोर्ड है, 30 से अधिक इंडस्ट्रियलिस्ट के सीईओ उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो समय समय पर अपने सजेशन यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने, इन छात्रों की करियर काउंसिलिंग के लिए, उनके प्लेसमेंट के लिए, और यहां पे चलने वाले पाठ्यक्रमों में किस प्रकार से हम उसे इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक केंद्र के रूप में स्थापित कर सकें, उसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। विनीत जी, मैं इसके लिए आपका और आपकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि वेनिट यूनिवर्सिटी को आज इस प्रकार के केंद्र के रूप में आप लोगों ने विकसित किया है, जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसी बात को लेकर के प्रस्तुत की गई है। हमने अपने विश्वविद्यालयों को डिग्री बांटने तक सीमित कर दिया था,